हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी हड्डा। सो आज का टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ एंड कहाँ से आया और उसका डेरिवेशन। सो एम्पियर सर्किटल लॉ इज अ जनरलाइजेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ एंड इट्स यूजफुल टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ। अगर आपको बायो सावर्ट्स लॉ पता नहीं होगा तो आप हमारे चैनल पे जाके बायो सावर्ट्स लॉ सर्च करके आप देख सकते हैं। एंड इट्स यूजफुल टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। एम्पियर सर्किटल लॉ यानी कि एम्पियर थ्योरम इज इक्वल्स टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्फेस और क्लोज पाथ is equal to the absolute permeability mu zero times the total current enclosed by the path mathematically। यानी कि दो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, यहाँ पर बी जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और डी एल जो है वो स्मॉल एलिमेंट। म्यू जीरो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम, एंड आई इज द टोटल करंट ऑफ अ पाथ। सो मैथमेटिकली एम्पियर सर्किटल लॉ इज रिटर्न एज क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब हम इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ में क्या आएगा, सबसे पहले डायग्राम। अब डायग्राम कैसे आएगा, अब देखिए, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर सी डी, यानी कि दिस वन कंडक्टर, यानी कि जिसमें से करंट फ्लो होगा वो सी डी हमने लिया। लेट आई इज द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी जो है वो करंट पास होगा। ड्यू टू अ करंट इन कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू इट। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल सेंटर ऑन द कंडक्टर। सो ऑब्वियसली अब जहां से करंट फ्लो होगा तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तो तैयार होगा ही, करंट आएगा यानी कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सो वही कहा गया है, अगर यहाँ पर सी और डी से करंट फ्लो हो रहा है सो ऑब्वियसली उसके आजू बाजू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कंसिडर अ सर्कल हैविंग रेडियस आर, हमने एक रेडियस माना आर एट द सेंटर ओ, सेंटर दिस वन ओ। टेक अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, अब हमने एक पॉइंट पी लिया सर्कल, आप ये जो पॉइंट पी है वो आप कहीं पे भी ले सकते हैं। सो टेक, हमने यहाँ पर पॉइंट पी लिया है सर्कल। सो द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज गिवन बाय, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन टू पाई आर। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, म्यू जीरो यानी कि जैसे बता चुकी हूँ कि परमियाबिलिटी, आई यानी कि करंट, टू पाई आर ये कॉन्स्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ बी इज अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट पी, दिस वन डायरेक्शन ऑफ अ B is along the tangent of a circle at P। Consider a small element DL at P। हमने यहाँ पर जो DL consider किया है वो क्या है, small element। The line integral of B close around circular path is given by close integral B dot DL is equals to close integral B dot DL cos theta। अब यहाँ पर cos theta क्या है, सो कॉस थीटा ये है, यानी कि मतलब यहाँ पे कॉस थीटा ये जो एंगल है वो एंगल किसके बीच का है, बी एंड डीएल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल इज अ स्मॉल एलिमेंट। सो हमें याद रखना है कि ये जो कॉस थीटा है वो एंगल बिटवीन बी एंड डीएल है। सो द बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल आर द सेम डिरेक्शन, अब सेम डिरेक्शन में है यानी कि उसके अंदर का एंगल क्या होगा, जीरो। सो हमारा थीटा इज इक्वल्स टू जीरो आएगा, और कॉस जीरो की वैल्यू आती है वन। सो अगर हमने यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू वन पुट की तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इन टू वन इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एल। सो ये सिर्फ यहाँ पर कॉस थीटा कट होगा। सो क्या हमें मिलेगा, हमें क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। सो पुट इन इक्वेशन वन, ये हमने इक्वेशन वन में पुट किया। सो हमें क्या मिला, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। अब ये जो बी है वो हमने बाहर लिया, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो अब बारी आती है, द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर लूप।
क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल टू 2 पाई r. अब यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल 2 पाई r, सॉरी क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल टू 2 पाई r क्यों आया? अगर हमने यहाँ पर dl लिया है, अगर हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे, कोई भी सर्कल सर्कुलर लूप के यहाँ लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा dl का? 2 पाई r. यानी कि अब ये जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हो गया. तो अगर हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, इसका इंटीग्रेशन d का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2 पाई r. क्यों? क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई r. इसलिए हमने यहाँ पर लिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई r. पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, यानी कि अब dl की वैल्यू पुट करनी है. सो बी की, सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन टू पाई आर. सो यहाँ पर b की वैल्यू पुट की, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट की, और ये dl की यहाँ पर ये वैल्यू वैल्यू पुट की. यानी कि b की वैल्यू ये है और dl की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और dl की वैल्यू ये है. सो अब क्या होगा? दिस वन एंड दिस वन गेट कैंसल. बचाएगा क्या? क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो आई. सो हमें मिल गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ. अब यहाँ पर b इज अ मैग्नेटिक फील्ड, dl इज अ स्मॉल एलिमेंट, म्यू जीरो इज अ परमेबिलिटी एंड एज अ करंट. सो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा यहाँ पे आ चुका है. सो एम्पियर सर्किटल लॉ इज एन इंटीग्रल मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज सरफेस पाथ. अब क्लोज सरफेस यानी कि क्लोज इंटीग्रल, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल लिया है. सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ एन एम्पियर लूप इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी द टोटल टाइम्स करंट इनक्लोज बाय द पाथ. सो ये आ गया हमारा एम्पियर्स लॉ. आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.